हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, RPF, वीडियो, SSC, GD, UP पुलिस। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशली ये 20 ऑनलाइन टेस्ट लेके आया हूँ, जो ऑनलाइन आप अपने मोबाइल पे भी दे सकते हैं, लैपटॉप पे भी दे सकते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम के टाइप से ही बनाए गए हैं। जो आपका एग्जाम में पैटर्न आने वाला बिल्कुल उस पर ही आधारित है। तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं आप इसको परचेज कर सकते हैं 120 रुपये में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो साइड में त्रिभुज का साइन है आपके वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, तो सबसे पहला लिंक होगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो पहले 500 स्टूडेंट होंगे उनको 30 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट कोड आपका ये है, तो इसे भर के आप डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो के जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे, और आप वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप इसको एज अ टेस्ट भी वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि साथ साथ में आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं कि कितने आप सही कर पाते हैं और कितने आप रॉन्ग कर पाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का पहला क्वेश्चन है। कथन में बोला जा रहा है, क्या भारत में फांसी के दंड को पूरे जीवन कठोर कारावास की सजा के रूप में बदल देना चाहिए? यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या भारत में फांसी के दंड को पूरा जीवन कठोर कारावास की सजा के रूप में बदल देना चाहिए? तो तर्क यहाँ पे है, हाँ, बहुत से विकसित देशों ने इसे लागू कर दिया है। तो दोस्तों, ये हाँ में तो आपका आंसर मिल रहा है, बट जो इसका रीजन दिया गया है ये रीजन वैलिड नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है नहीं, तो नहीं में आपका आंसर तो मिल गया, इसका रीजन देखते हैं। जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं उनके लिए फांसी की सजा ही होनी चाहिए, तो ये आपका एक वैलिड रीजन लग रहा है। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो जो आपके दंड देने के दो अलग अलग तरीके हैं, एक तो फांसी की सजा होगी, एक कठोर कारावास, जीवन कारावास कर दिया जाता है, तो ये दो सजा कर देने के दो तरीके हैं, तो दोनों ही अलग अलग कंडीशन पे दिए जाते हैं। तो जो जघन्य अपराध करते हैं उनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए, तो ये एक वैलिड रीजन है, ठीक है। किसी दूसरे के लिए तो फांसी की सजा नहीं बोली गई ना, तो जो जघन्य अपराध करते हैं उनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए, और दूसरों के लिए और कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट होगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से ट्राई करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है कथन में, क्या पूरे देश के डांस क्लब को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पूरे देश के डांस क्लब है क्या उन्हें पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? तो आप क्या आंसर देंगे? तर्क में है यहाँ पे सबसे पहला, हाँ, यही एक रास्ता है जो हमारी सभ्यता की रक्षा कर सकता है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डांस क्लब की, तो ये एक मनोरंजन का एक साधन है, ठीक है। तो इससे आपका मतलब जिसका मन करे जा सकता है, कोई यहाँ पे सभ्यता की इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दूसरा है नहीं, तो आंसर आपका मिल रहा है नहीं में, और इसका रीज़न क्या है, यह एक मनोरंजन करने का साधन है और जो इच्छुक हैं उन्हें मौका देना चाहिए, तो ये आपका एक वैलिड रीज़न लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जो पूरे देश के डांस क्लब है उन्हें बंद नहीं करना चाहिए, यह मनोरंजन करने का एक साधन है। तो बिल्कुल अगर इनको बंद कर दिया जाएगा तो मनोरंजन करने का एक साधन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बंद नहीं होना चाहिए, जो इच्छुक है बिल्कुल सही बात है, उनको मौका देना चाहिए, तो उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सेकेंड राइट रहेगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा है, आशा करता हूँ कि हर एक बच्चा इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर ही देगा। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा, जल्दी से करिए, बिल्कुल एक बार वीडियो को रोक लीजिए और कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा है, 24 दूनी यानी कि 24 और 2 की मल्टीप्लाई करिए 48, ठीक है, 9 * 3 = 27। तो यहाँ पे क्या रखा जाए कि 40 आ जाए, तो 4 * 10 में करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी अभी आपका पूछा जा चुका है ग्रुप डी में या फिर ALP में, अभी ये रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। विषम आकृति को चुनिए, इनमें से आपको बताना विषम कौन सी है, भिन्न कौन सी है। तो
तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन की, तो ये देखिए, एक बड़ी आकृति, एक छोटी आकृति, एक बड़ी आकृति, एक छोटी आकृति, एक बड़ी, एक छोटी, सारी की सारी सेम है। बट अगर मैं यहाँ पे करूँ एक बड़ी, तो नीचे छोटे वाली दूसरी आकृति होगी, तो यही भिन्न हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, और 5 का राइट आंसर क्या रहेगा ये भी आप मुझे बताइए, ठीक है, जल्दी से। तो आशा करता हूँ कि आपने इसका भी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कर दिया होगा। तो यहाँ पे विषम आकृति आपको चुननी है, तो इसमें से कौन सी होगी भाई, देखिए सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे लाइनें काउंट कर लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, यही आपकी जो आकृति विषम हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, और 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई ना, उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी मतलब अलग अलग टाइप के सारे, रीजनिंग के, मैथ के, जीके के, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन कवर किए गए, उसमें से आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 120 रुपये ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्राई जरूर करके देख लीजिए एक बार टेस्ट दे करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यहाँ पे है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति आपकी यह है, उत्तर आकृति है, 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से यहाँ पे क्या आएगा वो आपको देखना है भाई। सिंपल सा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो एक तो आपका ये आना है, ठीक है, और दो ये आने चाहिए, ठीक है, और एक आपका ये आना चाहिए। तो आप ये तीन, जो 1 2 3 4, चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें देख लीजिए पहले। तो किसमें ये आपका कभी नहीं बन सकता, ये वाला कभी नहीं बन सकता क्योंकि बीच में रखा गया है, इसको हटा देते हैं। ये वाला ऑप्शन अगर बी देखा जाए, तो भैया ये भी आपकी चीज़ें आ रही हैं, दो ऊपर ये भी आ रहे हैं और नीचे ये भी आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो सकता है। बट फिर भी नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, इसमें अगर ये देखा जाए ठीक है, बट इसमें फिर ये एक ऊपर आ गया जबकि ये नीचे होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता, इसमें भी ऊपर है ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आप ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हुए, ऑप्शन को हटाते हुए राइट आंसर पर पहुँचेंगे, तो आप हमेशा एक बिल्कुल सटीक करेक्ट आंसर पर पहुँचेंगे, और कभी भी गलत आंसर वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने जो आंसर कभी नहीं हो सकते उनको आपने हटा दिया, वो आपको वो उनको कट कर दिया, तो आप एक राइट आंसर पे ही पहुंचेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 8 है, ठीक है, इसको ट्राई करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर दिया गया कथन निष्कर्ष में, कथन दिया गया कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ क्लिप पेन है। तो कुछ पिन क्लिप हैं, तो सबसे पहले तो आप कुछ पिन को क्लिप कर देंगे, कुछ पिन क्लिप है और कुछ क्लिप पेन है, तो ये वाली आप कंडीशन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे एक कंडीशन और भी बना सकते हैं, कुछ पिन क्लिप है और कुछ जो पेन है आपके, पिन और क्लिप ये दोनों हो सकते हैं, तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे बन सकती है, बट हम मैंने नहीं बनाई क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये जितना बोला गया उतना क्वेश्चन में करिए, एक्स्ट्रा एक पॉइंट भी मत करिए। यहाँ पे बोला कि कुछ पिन क्लिप हैं, तो कुछ पिन क्लिप हो गए, और कुछ क्लिप पेन है तो कुछ पेन क्लिप हो गए, सॉरी कुछ क्लिप पेन हो गए, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका, अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है, तो यहाँ पे कुछ पिन पेन है, बिल्कुल आपका यहाँ पे पेन और पिन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया, तो ये बोलना मुश्किल होगा कि इनके बीच में रिलेशन है या नहीं है। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन हो सकती है कि ये बोला जाता कि कुछ पिन पेन हो सकते हैं, तो ये वाली आपका जो वेन डायग्राम था इसमें हो सकते हैं, बट ये यहाँ पे बताया नहीं गया, तो इसको हम बनाएंगे नहीं, बट होने हो सकने वाली कंडीशन बन सकती है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ पिन पेन है तो ये नहीं हो सकता है। तो आपने पहला ऑप्शन तो हटा दिया, कोई पिन पेन नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है कम्प्लीटली चेंज, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ पिन पेन नहीं है। इससे पहले वाले स्टेटमेंट में बोला जा रहा था कि कुछ पेन पिन है, फिर बोला गया कि कुछ पेन पिन नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी आती है जब भी दो चीज़ के बीच में कोई भी, तो आपके यहाँ पे बोले जा सकते हैं कुछ भी हो सकता है, तो जो भी दो यहाँ पे पिन और पेन के बीच में स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया, और यहाँ पे जो कंक्लूजन आपका जो निकल के आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि इनके बीच में रिलेशन है, और एक साइड में बोला जा इनके बीच में रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी ये बनती है कि या तो आपका ऑप्शन वन राइट होगा या फिर सेकेंड वाला राइट होगा, या तो फर्स्ट वाला राइट होगा या सेकंड वाला राइट होगा, या यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है।
जब इनके पिन और पेन के बीच में कोरिलेशन बताया नहीं गया, और एक बार बोला जा रहा है कि कुछ पेन पिन है और एक बार बोला जा रहा है कि कोई पिन पेन नहीं है, तो ये वाली कंडीशन आपकी बनती है या वाली। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे आपका, और इसका राइट आंसर क्या रहेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है ए जेड बी वाई सी डी सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू, और नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्लस टू चल रहा है यहाँ पे, प्लस टू कर दूंगा, माइनस टू हो जाएगा, फिर प्लस टू हो जाएगा, फिर माइनस टू हो जाएगा, यानी कि प्लस टू माइनस टू, प्लस टू माइनस टू, प्लस टू माइनस टू, इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो नेक्स्ट आपका बिल्कुल यही यहाँ पे पैटर्न में देखूँ, यहाँ पे प्लस टू हो जाएगा तो ई हो जाएगा, माइनस टू कर देंगे तो आपका वी हो जाएगा, डी में प्लस टू करेंगे तो आपका एफ हो जाएगा, और माइनस टू करेंगे तो यू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ई में प्लस टू करिए तो क्या होगा, जी आ जाएगा, वी में से माइनस टू करिए तो टी आ जाएगा, एफ में प्लस टू करिए तो एच आ जाएगा, और यू में से माइनस टू करिए तो एस हो जाएगा। तो जी टी एच एस इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 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 आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जी टी एच एस। ठीक है, तो जी टी एस इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका ये 10वां, और इसमें क्या है राइट आंसर बताइएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। बहुत ही सिंपल सी सीरीज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दो पैटर्न इसमें चल रहे होंगे। एक तो देखिए ये चल रहा है वन से टू, यानी कि प्लस टू प्लस टू प्लस टू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सात। तो आंसर तो आपको मिल चुका, सात में देखिए प्लस टू करेंगे यहाँ पे आपका नाइन आएगा, नाइन में प्लस टू करेंगे नेक्स्ट आपका इलेवन आ जाएगा। इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। तो ये तो हो गया मतलब सिंपल। अभी देखिए क्यों मैंने बोला था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में दो सीरीज चलती है, ये तो प्लस टू वाली होगी आपकी, ठीक है प्लस टू हो गई है। अब यहाँ पे चल रहा है अलग सीरीज, जीरो से आपका गया सीधा कितना दो, यानी कि प्लस टू, दो से सीधा गया कितना छः है तो यानी कि प्लस फोर, दो से आपका गया कितना यहाँ पे ट्वेल्व, ठीक है ये कितना गया भाई, ये ट्वेल्व गया तो यानी कि प्लस सिक्स। तो दो से चार, चार से यहाँ पे हो जाएगा छः, यानी कि दो दो बढ़ाते हो जा रहे हैं, तो नेक्स्ट आपका प्लस एट होगा। ये भाई ये ना पूरा का पूरा ट्वेल्व है, तो ये गलती से हो गया बीच में, तो यहाँ पे एट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें का राइट आंसर यहाँ पे बताइए आप। दिए गए विकल्पों में विषम आकृति शब्द संख्या अक्सर चुनिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने हैं आपके एग्जाम में, एक तो ये वाले, एक स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट एजम्पशन वाले, और आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन, और आपका सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, ये मतलब फिक्स चैप्टर हैं जो कि पूछे ही पूछे जाएंगे। तो इसमें बताइए दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति शब्द संख्या अक्सर चुनिए, तो इसमें कौन सा रहेगा विषम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, देखिए इसमें आधा कटा हुआ ये है और बाकी में आपका लाइनें कट के ही आपकी कोई ना कोई आकृति बनी हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सभी लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करके आकृति बनी है, बट ये सीधी सीधी एक आकृति है जिसमें कोई भी लाइन का यूज नहीं हुआ है कट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित पर्सन में संबंधित आकृति को चुनिए, नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 12 है, बार बार क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। तो आशा करता हूँ कि आपने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। ठीक है, तो जल्दी से अगर आपने नहीं किया अभी तक भी कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या सीरीज फॉलो है, निम्नलिखित पर्सन में संबंधित आकृति को चुनिए, पर्सन आकृति है, उत्तर आकृति नीचे दे रखे चार ऑप्शन। देखिए अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से इसे देखूँ और आप भी देखें, तो इसमें यहाँ पे जो आकृति बनी है एक दो तीन चार पाँच, पाँच लाइनें यूज करके बनी है, नेक्स्ट वाली चार लाइनें यूज करके बनी है, जो इसके अंदर था वो बाहर आ चुका है, ये दोनों पॉइंट बाहर आ चुके हैं ये भी। ठीक है, तो मुझे इतना पता चल गया जो अंदर है वो तो बाहर आ जाएगा, ये अंदर वाले बाहर आएंगे, तो सभी में बाहर रहें। ठीक है, चलिए ये दो ऑप्शन हम इसलिए काट सकते हैं क्योंकि इसमें बाहर आ गए हैं, बट ये ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक नहीं है कोई सभी पॉइंट, ये तो दोनों कट ही जाएंगे, ये तो कभी नहीं हो सकते। फिर या तो ऑप्शन डी होगा या ए होगा। अब इसमें ए होगा या डी होगा, ये देखिए यहाँ पे पांच लाइनों से कितनी हुई है चार, यहाँ चार से कितनी होनी चाहिए तीन, तो आपका ये तीन वाला एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी, तो तीन और दो ये बाहर आ जाएंगी, तो यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर किया होगा, तो प्लीज़ करिएगा जरूर, मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चों ने इसका राइट आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, आई थिंक ये 13 या 12 है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइए। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित पर्सनों में दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो पर्सन आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा करे।
तो प्रश्न आकृति यहाँ पे दी गई है, देखिए बहुत ही सिंपल है। जो भी अंदर वाली आकृति है वो बाहर आ जाती है नेक्स्ट आकृति में, और यहाँ पे ये चीज़ तो है ही, जो अंदर वाली बाहर आ जाती है और जो ये वाली जो अंदर बनती है आकृति वो बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे अंदर वाली बाहर आ जाएगी और ये अंदर वाली कुछ अलग ही होगी, ठीक है। फिर ये जो इसके अंदर है ये बाहर आ जाएगी और बाहर वाली, सॉरी अंदर वाली बिल्कुल अलग होगी। तो नेक्स्ट आपका जो है एक ये वाली आएगी, ठीक है, ये वाली, ये तो दिख ही रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये उल्टा बन गया, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कौन सा होगा। अब इन दोनों में से बिल्कुल देखिए आंसर बहुत सारे बच्चे गलत लगा सकते हैं, ये इसलिए नहीं होगा, ये ऑलरेडी आकृति यूज हो चुकी है, हमें वो आकृति चाहिए जो बिल्कुल नई होगी। तो ये वाला आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये वाली दोबारा रिपीट नहीं हुई है, ये वाली दोबारा रिपीट नहीं हुई है, ये भी, तो ये भी आपकी एक नई आकृति बनेगी, ये रिपीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुकी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी को पता है आपका टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत सारी PDF ऑलरेडी वहाँ पे है। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है RPF कॉन्स्टेबल की, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और टेलीग्राम पे भी है। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे मैंने नंबर शेयर कर रखा है, तो उस नंबर पे आप बात करके भी पूछ सकते हैं कि क्या इसमें टेस्ट सीरीज में है और कैसे मैं इसको परचेज कर सकता हूँ, कैसे मैं इस टेस्ट को लगा सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है सब कुछ, और ये ₹120 आपका कब तक रहेगा, जब तक ये 500 स्टूडेंट यहाँ पे इस टेस्ट को परचेज नहीं कर लेते हैं। तो अपने दोस्तों को भी बताइए, परचेज करिए खुद भी और इसको टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सभी को पता होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है। अगर जिसको नहीं पता, तो ये त्रिभुज का एक छोटा सा निशान बना होता है कोने में, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे खुल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सब कुछ पूरी वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।